भविष्य खराब हो जाएगा भाई, वो कमाने वाला है। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषी पकड़ा जाना चाहिए पूरी तरह से, और इस तरह के बेखौफ लोगों को वास्तव में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जहां तक यथासंभव हो पाएगा जल्द से जल्द कार्रवाई होकर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास रहेगा। गरीब परिवार है, हम लोग सब मिलकर सामूहिक चिंता करने की बात भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें कि 12 तारीख की रात्रि में राजधानी में अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिससे शास्त्री नगर का पुनाई चक सब्जी मंडी गोलियों की बौछार से दहल उठता है। आपको बता दें एक बाइक पर दो अपराधी आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि तीन लोग जख्मी हो जाते हैं। आपको बता दें कि इसमें एक व्यक्ति की, सब्जी व्यापारी की मृत्यु अभी हो गई है, जिसके पश्चात पूरे सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया है। और वहीं पर सारे परिवार को संतावना देने के लिए विधायक संजीव चौरसिया वहां पे मौजूद हैं और क्या संतावना दे रहे हैं, जरा देखें। नहीं, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषी पकड़ा जाना चाहिए पूरी तरह से। मुआवजा के लिए अभी जिलाधिकारी महोदय से यूजर सबसे बात हुई है, उस प्रक्रिया का जो आयाम है मैंने कहा है, उस प्रक्रिया के आयाम को आगे बढ़ाने के लिए जहां तक होगा निश्चित तौर पर पहल करके बात करने का काम करेंगे। और आपने देखा अभी मिलने का भी काम किए हैं, और इस तरह के बेखौफ लोगों को वास्तव में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जहां तक यथासंभव हो पाएगा जल्द से जल्द कार्रवाई होकर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास रहेगा। गरीब परिवार है, हम लोग सब मिलकर सामूहिक चिंता करने की बात भी कर रहे हैं। नहीं, इस पर वही हम करें कि जो गतिविधि आपराधिक बढ़ रही है उसको नियंत्रण करने के सरकार काम भी कर रही है, उस दिशा में पहल भी हो रही है। तो कार्रवाई करने के बाद दोषी किसी भी तरह से भागने का काम नहीं कर सकता है। वर्तमान सरकार बहुत ही कड़ाई पूर्वक और हर निर्णय को तटस्थ भाव से निर्णय करके परिणाम तक पहुंचाने का काम करेगी। मृतक का परिवार मुआवजे की मांग के साथ नौकरी की मांग कर रहा है, उसके लिए हम लोगों ने बोला है कि अभी प्रक्रिया के तहत जो हो सकता है उसको प्रक्रिया को अनुशंसा करते हुए, और हमने भी दिया है कि भाई उसको इस दिशा में पहल करके जल्द से जल्द मुआवजे के लिए और हर प्रक्रिया के लिए पीड़ित परिवार को लाभ मिल सके, उसके लिए पूरा प्रयास है। जाहिर सी बात है कि विधायक संजीव चौरसिया ने साफ तरीके से कहा है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, और नौकरी की मांग की जा रही थी उसी पर संजीव चौरसिया ने कहा है कि इसकी लिखित डीएम को दी जाएगी, जिसके पश्चात कुछ कदम डीएम के द्वारा उठाए जाएंगे। वहीं पर आपको बता दें कि तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तरीके से देख सकते हैं जो मृतक के परिवार है किस तरीके से रो बिलख रहे हैं। जो मृतक है उनके तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एक साल का गोद में भी बच्चा है, जो कि अब पूरी तरीके से बेबस होकर के रो रहा है उनका परिवार। आपको बता दें कि अब देखना यह होगा कि अपराधी अब कब तक लाल घर पहुंचते हैं। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें।